फ्रेंड्स, आपने डिश टीवी, टाटा स्काई, एयरटेल, वीडियोकॉन सभी के बॉक्स देखे होंगे। आपने देखा होगा कि इसमें आपको एक यूएसबी पोर्ट मिलता है। तो दोस्तों, ये यूएसबी पोर्ट क्या काम करता है और इसमें हम पेन ड्राइव से कोई वीडियो या ऑडियो प्ले कर सकते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा। और एक बॉक्स में आपको पेन ड्राइव से वीडियो एंड ऑडियो चला के दिखाऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहे। मेरा नाम है भरत और आप देख रहे हैं DTH टिप्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते। तो दोस्तों, आप देखते होंगे कि एयरटेल, टाटा स्काई सभी बॉक्सों में आपको यूएसबी का पोर्ट मिल जाता है, लेकिन जो HD बॉक्स है इसमें आपको रिकॉर्डिंग करने के लिए मिलता है। टाटा स्काई में बिल्कुल नहीं मिलता है, लेकिन एयरटेल, वीडियोकॉन एंड डिश टीवी में आपको टीवी प्रोग्राम रिकॉर्डिंग करने के लिए ये पोर्ट मिलता है। और काफ़ी बॉक्स में इसका सॉफ्टवेयर रिकवर करने के लिए भी ये पोर्ट यूज किया जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको पेन ड्राइव चला के दिखाऊंगा। तो दोस्तों, एक बॉक्स ऐसा है जिसमें आप पेन ड्राइव से अपना शादी का वीडियो हो या कोई बॉलीवुड का वीडियो या कोई भी भजन या बॉलीवुड का सॉन्ग पेन ड्राइव के थ्रू बॉक्स में लगा कर सुन सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक ऐसा बॉक्स चाहिए। ये एयरटेल ने नया निकाला है HEVC बॉक्स। तो दोस्तों, इसमें भी आपको दो प्रकार के मिल जाते हैं, एक बॉक्स में चलता है और वो एक बॉक्स में नहीं चलता। इसके लिए मैंने कंपनी में कॉल किया था, लेकिन कंपनी को भी ये पता नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको पेन ड्राइव चले ऐसा बॉक्स चाहिए तो आपको एक बार का ध्यान रखना होगा कि आपका बॉक्स HDSCVC होना चाहिए और इसका जो सॉफ्टवेयर है वो नया होना चाहिए, तभी चलेगा। तो देखिए, इस प्रकार का इसका सॉफ्टवेयर है। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर में होगा तो आपको आपका बॉक्स में पेन ड्राइव चलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये पेन ड्राइव में वीडियो और ऑडियो डाला हुआ था, मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे हम डाल देते हैं पेन ड्राइव। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने पेन ड्राइव डाल दिया। यहाँ पे हमें 3 से 4 सेकंड का वेट करना पड़ेगा। और दोस्तों, इसमें आपको एक टीवी स्क्रीन पर मैसेज आएगा कि आप रिकॉर्ड USB से करना चाहते हैं या USB में जो भी प्रोग्राम है वो चलाना चाहते हैं। इसके दो ऑप्शन आए हुए हैं। तो अगर आपको पेन ड्राइव से कोई भी प्रोग्राम चलाना है, वीडियो चलाना है, ऑडियो चलाना है, तो यहाँ पे जाना है आपको राइट एरो से और इसको ओके करना है। यहाँ पे ओके किया तो हमने दो ऑप्शन मिल रहे हैं, ऑडियो। तो अगर आपके पेन ड्राइव में MP3 सॉन्ग है तो ऑडियो पे क्लिक करना है और वीडियो है तो वीडियो पे क्लिक करना। तो यहाँ पे हम पहले वीडियो चेक करते हैं। देखिए, यहाँ पे पेन ड्राइव में कुछ वीडियो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने वीडियो प्ले किया और हमारा वीडियो शुरू भी हो गया। दोस्तों, इसमें कोई भी फाइल में आपका वीडियो चल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी सिस्टम है एयरटेल बॉक्स के लिए। अभी दोस्तों, मैं आपको ऑडियो भी चेक करके दिखाता हूँ। अगर आपके पास कोई मैरिज का प्रोग्राम है या कोई वीडियो है तो देख सकते हैं, बॉलीवुड का कोई भी मूवी देख सकते हैं। और इसके अलावा MP3 गाना भी आप अपने एयरटेल बॉक्स में सुन सकते हैं। अगर आपके पास नॉर्मल TV है तो ये ट्रिक आपको बहुत ही काम आने वाली है। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर लो और साथ में इस वीडियो को शेयर कर लो। देखिए, यहाँ पे हमारा MP3 सॉन्ग भी प्ले हो गया। तो दोस्तों, ये बता दूं कि आपको ये चलाना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको कस्टमर केयर में कॉल करना पड़ेगा और रिकॉर्डिंग का सब्सक्रिप्शन ऑन कराना पड़ेगा, तभी ये चलेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक बात बता देता हूँ कि आप मेनू प्रेस करेंगे तो इसमें भी आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। तो देखिए, आप सबसे पहले चैनल मिलता है, फिर ऐप एंड गेम मिलता है, माई लाइब्रेरी एंड चौथा ऑप्शन है प्ले फ्रॉम USB। यहाँ से भी आप पेन ड्राइव चला सकते हैं, यहाँ पे भी सेम ऑप्शन मिलते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, साथ में शेयर करें और कोई दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों, अब हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।